बताना है कि स्क्वेयर करने पे ये जो नंबर है उसका क्या आएगा, वो नंबर क्या आएगा, ओड आएगा या इवन आएगा, ठीक है। स्क्वेयर बताना है किसका ओड आएगा या इवन आएगा, क्लियर सबको। अब मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं इसका स्क्वेयर करूँ कि वो इवन आएगा या ओड आएगा। एक नंबर में ले लेती हूँ 12 और एक नंबर ले लेती हूँ मैं 13, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वेयर करूंगी कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वेयर करने पे कितना आएगा 144, 13 का स्क्वेयर करने पे कितना आएगा 169। अब 12 का स्क्वेयर किया तो नंबर क्या आ गया मेरा, इवन के ओड, क्या आया इवन। 13 का स्क्वेयर करने पे कितना आया ओड आया। कैसे पता चला तुम्हें कि ये इवन है ये ओड है, लास्ट डिजिट से है ना, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, इसका लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 हमारा क्या है ओड है और 4 हमारा क्या है इवन। अब जैसे 431 बड़ा नंबर है, इसका स्क्वेयर करके तो कितना नंबर आएगा, वो इवन आएगा या ओड आएगा, कैसे पता करेंगे। अगर अब इसका सोच पाए देखो, अगर मैं 2 का स्क्वेयर करूंगी कितना आ गया 4, 2 क्या था मेरा इवन नंबर, ओ सॉरी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का स्क्वेयर किया कितना आ गया 4, तो मेरा क्या हो गया इवन। अब इसका यूनिट डिजिट ले लो, 3 का स्क्वेयर करने पे क्या आ गया 9, 9 क्या आ गया 4। अब इसी तरीके से 431 तो इसका क्या लोगे 1, यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वेयर करने पे क्या आ गया 1, तो ये क्या होगा मेरा। तो अब पूरी कैलकुलेशन करी की ना मैंने, सिर्फ क्या किया यूनिट पे, यूनिट डिजिट का स्क्वेयर करने पे जो नंबर आएगा हम उससे पता कर सकते हैं कि इसका पूरा स्क्वेयर करने पे नंबर इवन आएगा या क्या आएगा ओड आएगा, ठीक है। तो देखो जरा लिखेंगे कैसे, लिखोगे इट्स यूनिट डिजिट इज, यूनिट डिजिट किसका इसका 1, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर करने पे कितना आ गया 1, फिर क्या लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर ऑफ किसका 431 इज 1 एंड 1 इज ओड नंबर, 1 क्या है मेरा ओड नंबर, इसीलिए अगर मैं पूरे का स्क्वेयर करूं सो द स्क्वेयर ऑफ 431 विल बी ओड, क्या होगा वो ओड। ये सबको समझ आए 431, क्योंकि हमें बता रही कि स्क्वेयर करने पे पूरे नंबर का क्या आएगा इवन आएगा या ओड आएगा, ये तो नहीं बताएगी कितना आएगा, सिर्फ उसने बोला कि ओड आएगा या इवन आएगा। तो हम क्या करते हैं इसे यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वेयर करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट इसका कितना है 1, और 1 हमारा क्या है ओड नंबर है। हम सिर्फ किससे पता कर सकते हैं कि इसका स्क्वेयर करने पे ओड आएगा या इवन आएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वेयर करेंगे, आ रही बात समझ, ठीक है। तो हमने लिखा कि इसका जो स्क्वेयर करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा ओड है, क्लियर सबको। अभी देखो आगे 2826 बी पार्ट में है 2826। अब मुझे बताओ इसका स्क्वेयर करने पे इवन आएगा या ओड आएगा, कितना आएगा इवन, कैसे पता किया तुमने 6 का स्क्वेयर किया है ना, पहले क्या लिखोगे यूनिट डिजिट इज 6, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, फिर हमने 6 का क्या किया स्क्वेयर करने पे कितना आ गया 36, 6 आ गया, 6 इवन है या ओड है इवन है, क्या लिखोगे सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 2826 इज 6 एंड 6 इज अ इवन नंबर, सिक्स हमारा क्या है इवन नंबर है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे सो द स्क्वेयर ऑफ 2826 इज इवन नंबर, इसलिए जो 2826 का स्क्वेयर करूंगी तो मेरा क्या होगा इवन नंबर होगा।